वा श्रीमद् भागवत महापुराण दसवा स्कंद पहला अध्याय श्लोक इकसठवा तथेति 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 सुत सुत मादाय मादाय यया ययावानक ययावानक दुन्दुभिः दुन्दुभिः तथेति सुतमादाय ययावानक दुन्दुभिः नाभ्य नाभ्य ययावानकदुन्दुभिः नाभ्यनाभ्यनन्दत नाभ्यनन्दतनाभ्यनन्दत तद्वाक्यम् तद वाक्यम यहाँ पर आधा द है वा में बड़े आकी मात्रा है तद वाक्यजितात्म असतो, असतो यहाँ म म और आ में डिवाइड होगा तद वाक्यम असतो विजितात्म नाभ्यनंदत तदवाक्यम असतो विजितात्मन तथेति सुतमादायनक दुंदुभि नाभ्यनंदत तदवाक्यम असतो विजितात्मन कैसे गाएंगे देखते हैं तथेति सुतमादाय युंदु नाभ्यनंदत तद असतो विजितात्म फिर से देखते हैं तथेति सुत ययावानक दुंदुबि तद दाक्य असतो विजितात्मनः शब्दार्थ देखते हैं तथा मतलब बहुत अच्छा इति मतलब इस प्रकार सुतम आदाय मतलब अपने पुत्र को वापस लाकर उस स्थान से चला गया आनक दुंदुभी यानी वसुदेव न अभ्यनंदत बहुत महत्व नहीं दिया तत उसके कंस के वचनों पर असतह चरित्र विहीन अविजित आत्मन तथा आत्मसंयम विहीन वसुदेव मान गए और वे अपना पुत्र घर वापस ले आए किंतु कंस चरित्रहीन तथा आत्मसंयम विहीन व्यक्ति था अतएव वसुदेव जानते थे कि कंस के शब्दों का कोई भरोसा नहीं हरे कृष्णा